न्यूज़ लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कि भविष्य में इतिहास रचने के लिए प्रयासरत है। हम बात कर रहे हैं इन दिनों महेश्वर में नर्मदा नदी में चल रही 8वीं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की, जिसे केनो सलालम कहते हैं। यूं तो नर्मदा नदी की सहस्त्रधारा का अपना एक पौराणिक इतिहास है, पर पश्चिम सभ्यता के चलते यह स्थान इन दिनों केनो सलालम के नाम से लोकप्रिय हो चुका है। इस प्रतियोगिता का विजेता एशियन गेम्स में केनो सलालम में भाग लेगा। यह सौभाग्य मिला है एक ऐसी बालिका को जो ओपन वर्ग में गोल्ड विनर बनकर अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेगी। जी हाँ, न्यूज लीडर्स आपको आज एक ऐसी प्रतिभा से परिचय कराने जा रहा है जो कैनो सलालम खेल के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, जिसका नाम रीना सेन है। हम बात कर रहे हैं महेश्वर तहसील के एक छोटे से गांव मोंगावा की रीना सेन की, जो गांव के छोटे किसान राजेंद्र सेन की बेटी है। अब आने वाले समय में रीना का सपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। फिलहाल रीना की नजर थाईलैंड में होने वाली एशियन चैंपियनशिप पर है। मंडलेश्वर से न्यूज लीडर्स के लिए दुर्गेश राजदीप की रिपोर्ट। आज हमारे बीच महेश्वर तहसील के एक छोटे से गांव मोगावा की एथलीट रीना सेन है, जिन्होंने केनो सलालम की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। रीना सेन, हमें ये बताइए कि आप इस गेम में कैसे आई? सर, मैं पहले एथलीट थी, देन फिर मैंने रेसलिंग करी और फिर मैं केनो सलालम में। तो एथलीट के टाइम जब मैं इंटर किया तब मेरे साथ थे खांडेकर सर, इन्होंने मेरा एथलीट के टाइम में मेरा बहुत सपोर्ट किया था। देन रेसलिंग के टाइम पर भी मेरा बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद ही मैं केनो सलालम में आई थी। केनो सलालम में मुझे भेजा था विक्रम जी यादव। भविष्य में क्या संभावना है इस गेम में आपके लिए? भविष्य में सर, मैं यही चाहती हूँ जैसे मेरा नेशनल में मेडल लगा वैसे मुझे इंटरनेशनल में भी मेडल चाहिए। तो कहाँ होने वाली प्रतियोगिता? ये थाईलैंड में होने वाली सर, एशियन चैंपियनशिप। उसमें हमारे केनो सलालम के कोच है सिर्फ कुलदीप सिंह कीर जी। रीना सेन से मेरा संपर्क हुआ और मैंने इसकी प्रतिभा को पहचानते हुए इसे जितना भी अपने स्तर पर सपोर्ट करना चाहिए था मैंने करने का प्रयास किया और उसके बाद में इन्होंने अपना हुनर दिखा करके इस चैंपियनशिप में इस स्तर तक। रीना सेन, आपको सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है अभी वर्तमान में? फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ भी नहीं मिला? जो भी मैंने किया खुद से किया, खुद के बल पे किया। धन्यवाद आपका।